प्रातःकाल का समय था और जब मैं सुबह को उठा 4 बजे तब मैंने देखा कि चिड़िया चहचहा रही हैं और सन 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 हवा चल रही है धीरे 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 धीरे। बड़ा ही सुंदर, सब लोग सो रहे थे, बहुत ही सुंदर माहौल लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था वाह क्या दिन है। तब अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि लाओ आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला जाए टहलने के लिए। तब मैंने अपने व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट किया और सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग भेजा और लिखा कि चलो आओ टहलने चलते हैं। मैंने सोचा कि पता नहीं देखो कितने लोग उठकर आते हैं या नहीं आते हैं, कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं। तब मुझे पता चला कि जो 200 लोगों को मैसेज मैंने भेजा था उसमें से मात्र 2 ही लोगों ने मैसेज रिसीव किया और रिप्लाई दिया कि गुरुजी चलो मॉर्निंग पे चलते हैं, आइए बाहर आइए। फिर मैं गया और मॉर्निंग पे गया, तीनों लोग आपस में चर्चा करते हुए जा रहे थे। जब गांव से बाहर निकले तो देखा कि बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पर आ रहे हैं, छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे और बड़े भी, औरतें भी, कहने का मतलब माताएं बहनें, बहुत सारे लोग टहल रहे थे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ही रंग ढंग था। आजकल का व्यायाम, योगा, सुबह को टहलना, सब कुछ बदल गया है। लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए गए तब देखा कि 2 लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। जब पूछा भैया क्या हो रहा है, क्या व्यायाम कर रहे हो, तो कोई बोला ही नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, आगे थोड़ी दूर पहुंचने के बाद फिर देखा कि एक लड़का बैठा हुआ साउंड बजा रहा है। सुबह को मॉर्निंग में इतना जल्दी बताओ, साउंड लेके पहुंचा है और वहां पर साउंड बजा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है। तब वो मित्र हमारे जो थे कहने लगे कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अब मैं क्या बताऊँ, ये म्यूजिक आसन है, म्यूजिक आसन, और क्या कह सकता हूँ, यही कह दिया मैंने। तो मैंने कहा ये म्यूजिक आसन चल रहा है, ये नया ट्रेड है, नया ज़माना है, देखो दुनिया कैसी बदल रही है। फिर वो बात कहते हुए हम आगे बढ़े। जब 1/2 किलोमीटर चल चुके थे तो देखा कि 4 लड़के एक लाइन में बैठे हुए मोबाइल चला रहे हैं और एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, और उसमें क्या चल रहा था, पबजी चल रहा था। तो हम सोच रहे थे कि सुबह तो आज तो ज़रूर हैं ये लोग टहलने के लिए, परंतु उसमें पबजी चल रहे हैं। तो ये टहलने का, इस चंचल हवाओं का, यहाँ के वातावरण का, सुबह का आनंद ये कैसे ले रहे हैं। अरे पबजी चल रहा था तो घर ही बैठते, यहाँ टहलने बेकार ही आए। तब लगा कि बताओ दुनिया कैसी बदल रही है, लोग कैसे बदल रहे हैं। उसमें चारों के चारों लाइन से बैठे हुए और मोबाइल को देख रहे थे, उसमें पबजी चला रहे थे, कोई रिवाइव दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तभी मित्र पूछने लगे ये क्या हो रहा है गुरु जी, दुनिया में ये चल जा रहा है। तो मैंने कहा भाई ये पबजी आसन है, जब 4 लोग इकट्ठा बैठ कर एक साथ पबजी खेले तो समझ जाओ वो पबजी आसन ही लगा रहे हैं। इन लोगों को यही आसन है, यही घूमना है, यही टहलना है। फिर हम आगे बढ़ गए और धीरे धीरे चलते हुए गए तो कुछ माताएं बहनें बीच रोड पर बैठकर छोटे छोटे बच्चों को आसन करना सिखा रही थी, कैसे सांस छोड़ो, कैसे सांस लो, कैसे सांस छोड़ोगे, कैसे लोगे, कैसे कैसे आसन करें, तो वो सब आसन करना सिखा रहे थे।
तो वह माहौल वह चित्र चित्रण बहुत ही सुंदर लगा। बड़ा आनंद आया कि देखो माताएं बहन आने आई हैं और यहाँ पर आसन की प्रक्रिया कर रही हैं, वो समाज और दुनिया से अलग सोच रही हैं। तो ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं, तो मैंने सोचा कि लावा इसको आज शेयर कर देते हैं, लोगों को पता चले कि दयनीय स्थिति है क्या आज समाज की, उसके बारे में थोड़ा जागरूक हो। यही पर्पस है, मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, ये रिकॉर्डिंग की है। इसमें कुछ त्रुटियां हुई होंगी, मुझे लगता है पहली बार ही बना रहा हूँ, तो क्षमा करना मित्रों बंधुओं। और मेरा बहुत बहुत आप सब लोगों को नमस्कार, प्यार, ढेर सारा, कोई नहीं, ऐसे ही नए वीडियो, नई चर्चाएं हम आप तक प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।